भारत की ताकत से थर्राएंगे उसके दुश्मन। तैयार हो रहा समुद्र का एक और शहंशाह, INS फ्रिगेट तारागिरी उड़ाएगा दुश्मनों के होश। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी बढ़ाएगा भारतीय सेना की ताकत। मेक इन इंडिया नीति के साथ किया गया है तैयार। दोस्तों, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। आधुनिक हथियारों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े युद्ध पोतों को सेना में शामिल किया जा रहा है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। विक्रांत की भव्य कमिश्निंग पर उत्साह अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि देश 11 सितंबर को भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी के लॉन्च का गवाह बनने के लिए तैयार है। भारत की सफलता उसकी बढ़ती शक्ति को बता रही है कि वो किसी भी ताकतवर देश से कम नहीं है। भारत की सरकार एक के बाद एक खतरनाक हथियार बनाकर सेना में ला रही है। पिछले कुछ सालों में हथियारों और युद्ध पोतों के खरीदारों से निर्माता के रूप में परिवर्तन होने की भारत की छवि बन रही है। भारत में 1964 से अब तक 90 से अधिक छोटे से लेकर बड़े एयरक्राफ्ट करियर तक बनाए जा चुके हैं। जहां ये आंकड़े भारत की बढ़ती शक्ति के बारे में बता रहे हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की नींद खराब होने लगी है। वो बौखला रहे हैं, सीमा पर वे पीछे हटने लगे हैं और भारत की तरफ आंख उठाने से भी अब डरने लगे हैं, क्योंकि ये दोनों देश जान गए हैं कि भारत पहले भी ताकतवर था और अब उसकी ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, जो इन्हें मिनटों में धूल चटा देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी की ताकत क्या है, क्यों चीन और पाकिस्तान इसके नाम से कांप रहे हैं और क्यों भारत की सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है, और सबसे जरूरी बात है कि आखिर ये स्टील्थ फ्रिगेट क्या होते हैं। स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर बात करें तो भारत के पास शिवालिक क्लास, तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्र क्लास में कुल मिलाकर 12 फ्रिगेट्स हैं। ये सबसे भारी और एडवांस 6200 टन वाले शिवालिक क्लास फ्रिगेट हैं। ये ऐसे जंगी जहाज होते हैं जिनका मुख्य काम हमला करना है। आजकल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होते हैं जिनमें मिसाइलों को तैनात किया जाता है। अगर हम INS सतपुड़ा की बात करें तो इसमें 32 बराक 1 मिसाइलें, 24 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल या 8 ब्रह्मोस एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल तैनात है। इसमें 2 टारपीडो लॉन्चर्स हैं, 2 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इन पर एक ऑटोब्रेडा नेवल गन और 2 AK-636 गन तैनात होती है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 11 सितंबर को भारतीय नौसेना के नीलगिरी क्लास के तीसरे स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी की लॉन्चिंग करने जा रहा है। इस युद्धपोत का निर्माण इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से किया गया है, यानी शिप के हिस्सों का अलग अलग जगहों पर निर्माण हुआ, फिर उसे लाकर एक साथ इंटीग्रेट यानी कि जोड़ दिया गया है। भारतीय नौसेना के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया जा रहा है। इस युद्धपोत में करीब 25% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि तारागिरी का 10 सितंबर 2020 से निर्माण किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। युद्धपोत तारागिरी की क्या है खासियत? तारागिरी की खासियत की बात करें तो युद्धपोत तारागिरी का वजन 3510 टन है। तारागिरी को भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन की ओर से डिजाइन किया गया है। ये 149 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। ये जहाज 2 गैस टरबाइन और 2 मुख्य डीजल इंजनों के संयोजन से संचालित होगा। इसकी गति 28 समुद्री मील यानी लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। INS तारागिरी का डिस्प्लेसमेंट 6670 टन है। ये मैक्सिमम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समंदर की लहरों को चीरते हुए दौड़ सकता है। अगर गति कम करके 33 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो यह 10200 किलोमीटर तक जा सकता है। इस स्वदेशी युद्धपोत पर 35 अधिकारियों के साथ 150 लोग तैनात किए जा सकते हैं। इस पर 2 रिजिड इन्फ्लेटेबल पोर्ट्स तैनात हो सकती हैं। इसका डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने बनाया है, जो इसे पानी में चलने की ताकत देगा।
किन किन हथियारों की हो सकती है तैनाती। युद्धपोत तारागिरी पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए भविष्य में सरफेस टू एयर में मार करने वाली 32 बराक आरटीआर या फिर भारत का सीक्रेट हथियार वीएलएस आरएसएम मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती की जा सकती है। इस युद्धपोत में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 ट्रिपल टॉर्पिडो ट्यूब्स हैं। हेलीकॉप्टर के लिए एनक्लोज्ड हैंगर भी लगाए गए हैं, जिसमें 2 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इस युद्धपोत में 76 मिमी की ओटीओ मेलारा नेवल गन के अलावा 2 AK-630M CIWS गन लगाई जाएंगी। इनकी लॉन्चिंग वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS से होगी। युद्धपोत में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। रूस द्वारा विकसित क्लोज इन वेपन सिस्टम रोटिन कैनन CIWS यानी कि घूमने वाली तोप भी लगी हुई है। इसके अलावा अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं जो 1000 किलोग्राम से लेकर 2500 किलोग्राम तक वजनी हैं। इसमें 2000 राउंड की बेल्ट लगती है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स 1 मिनट में 4000 से लेकर 10000 राउंड्स गोलियां दागते हैं। वहीं गोलियां 900 मीटर प्रति सेकंड से दुश्मन की ओर जाती हैं, जिनकी रेंज 4 से 5 किलोमीटर है। इसकी गोलियां सिर्फ लगकर छेद नहीं करती बल्कि टकराने के बाद विस्फोट करती हैं। राडार और टीवी ऑप्टिकल सिस्टम के आधार पर टारगेट को पहचानता है। इस युद्धपोत पर कौन कौन से विमान उतर सकते हैं? INS तारागिरी पर 2HAL ध्रुव या सी किंग MK-42 भी तैनात किए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए एनक्लोज्ड हैंगर है, जिसमें 2 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर छिपाए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास 25 वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं। 6 और नए वेरिएंट मंगाए जा रहे हैं। इसे 2 से 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। 55.10 फीट लंबे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.10 फीट है। यह 207 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। इसकी रेंज 1230 किलोमीटर है। इसमें 4 टॉर्पीडोज या 4 डेप्थ चार्जेस लगाए जा सकते हैं या फिर मशीन गन लगाए जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और नेवी के पास 14 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं। नेवी ने 11 और आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर और ऑर्डर किए हुए हैं। इन ऑर्डर से ही पता चलता है कि ये कितने काम का हेलीकॉप्टर है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। आपको बता दें कि इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं और इसकी अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। नया भारत हर तरह से अपने दुश्मन को मात देने के लिए तैयार खड़ा है। फिर बात चाहे आर्थिक विकास की हो, तकनीक की हो या फिर रक्षा क्षेत्र की हो, भारत अपने प्रतिद्वंदियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत की यही शक्ति उसके दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को डरा रही है, जहां ये दोनों दुश्मन देश भारत पर बुरी नजर गड़ाए रहते हैं। भारत जल्द ही इनकी नजर उतार कर रख देगा। INS विक्रांत के नेवी को मिलने के बाद अब भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की चर्चा भी शुरू हो गई है। 2 सितंबर को देश में बना युद्धपोत INS विक्रांत नेवी में शामिल हो गया है। लेकिन हिंद महासागर में चीन की नेवी के बढ़ते दखल से निपटने के लिए देश के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट की भी जरूरत बहुत बढ़ गई है। हाल के सालों में भारत के आसपास के समुद्री इलाकों, खासतौर पर हिंद महासागर में चीन की पहुंच बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स अहम हो जाते हैं। अब तक चीन के पास लियोनिंग और शेडोंग नाम से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जो इस साल जून में उसने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी लॉन्च किया है। ये चीन में निर्मित और कैटोवर टेक्निक से लैस चीन का पहला वॉरशिप है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में चीन को रोकने के लिए भारत को अपनी ताकत कई गुना बढ़ानी होगी, जिसमें कई एडवांस हथियार, मिसाइल, फाइटर जेट और युद्धपोतों की जरूरत है। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब भव्य होता है। ये INS विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना है। INS विशाल के 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा।
INS विक्रमादित्य और विक्रांत का वजन 45,000 टन के आसपास है। INS विशाल पर 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है। वहीं फिलहाल INS विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। 2 सितंबर को नेवी में शामिल INS विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं विक्रांत से पहले भारत के पास INS विक्रमादित्य के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था।